जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, खुद की तरक्की के लिए इतना समय बिता दीजिए आप कि आपको दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। आज का हमारा एपिसोड यूथ पर आधारित है। किस तरह से हम उनकी जिंदगी को आसान बनाएं, और उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारा पिछला एपिसोड एक ऐसी बात पर आधारित था, कहीं ना कहीं हमने ये जाना कि यूथ की जिंदगी में मूल्यों की कितनी आवश्यकता है। वो बहुत सारी कठिनाइयों के साथ जूझ रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब के बीच में रहते हुए भी पॉजिटिव कैसे रहा जाए, ये हमने जाना। अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें सक्सेसफुल होने में या एक बेहतर जिंदगी नहीं बना पाने में बाधा पड़ रहे हैं। देखिए, बाल्टी में एक छेद हो तो भी उसमें से पानी लीक करता रहता है, और अगर मल्टीपल हो तो पानी कभी भरेगा ही नहीं। ट्रू। कुछ चीजें हैं जो कि आंतरिक है, कुछ चीजें हैं जो कि संबंधों की हैं, कुछ चीजें हैं जो वो पास्ट से कैरी कर रहे हैं, कुछ हैं जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ट्रू। और ये सिर्फ यूथ के लिए नहीं, हम सब अप्लाई करता है। बिल्कुल। लेकिन यूथ क्योंकि बहुत चीजों के साथ डील कर रहा होता और एक तरह से लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सीख रहा होता, तो पर्सनालिटी जो है वो इवॉल्व हो रही है, बन रही है, तो उसके बारे में अगर कुछ चीजें जो जान जाते हैं तो उनके लिए जिंदगी को जीना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। सबसे बड़ा जो स्टीलर जिसको बोलते हैं वो है टाइम। अगर मैं ये देखूं कि 24 घंटे में से जो मेरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी उसके लिए मैंने कितना समय दिया, हम सिर्फ यही एनालिसिस करें कि 24 घंटे में कितने इम्पोर्टेंट चीजों को मैं कितना ज्यादा टाइम देता हूँ। ओके। कई बार ना एक छोटी सी लिस्ट बनाने ना बहुत आसान हो जाता। अगर मैं उस समय कोई जॉब कर रहा हूँ तो क्या मैंने कंसंट्रेटेड तरीके से 8 घंटे 10 घंटे उसके लिए किए, या उन 8-10 घंटों में भी मेरा दिमाग इधर उधर भटक रहा था। कई बार हम ये कहते हैं कि वो मैं बहुत थक गया आज, बहुत काम किया, लेकिन अगर आउटपुट देखते हैं तो कुछ खास नहीं होती। क्योंकि उस समय में आउटवर्डली आप काम कर रहे हैं लेकिन इनवर्डली माइंड कहीं और चल रहा। ओके। तो उसमें आप सिर्फ थकेंगे, काम नहीं होगा। दूसरा, कई बार हम वो चीजें जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें दूसरों को इंटरफेयर करने देते हैं, दूसरों को हम एक तरह से पासपोर्ट देते हैं हमारी जिंदगी में आ जाने का, और उसका सबसे बड़ा कारण है सेलफोन। कभी भी कोई भी व्यक्ति उठा के, उसे तो नहीं मालूम आप कहाँ पे हो, लेकिन वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको फोन करता, चाहे जरूरी चीज है भी नहीं फिर भी वो बात करता है। तो कई बार खास तौर पे वो लोग जिनको कि बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं, इंटरप्शंस होती हैं, तो कुछ समय के लिए अगर हम सेल फोन को साइलेंट मोड पे रखते हैं, या अगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो किसी और को दे दें, या कुछ देर के लिए बंद भी कर दें, तो जीवन रुकता नहीं। बिल्कुल। वहां पे आपको डिसाइड करना है कि आप अपने समय के साथ क्या करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ कई बार जो जिसको हम कहते हैं बहुत थक गए, अब एंटरटेनमेंट की जरूरत है, और वो एंटरटेनमेंट जो है वो 9 बजे शुरू होती है शाम को और रात के 3 बजे तक चलती है। एंड वी सी दैट हैपन अ लॉट विद यंगर पीपल नाउ। सोने का टाइम जो है वो खिसकता जा रहा जो 10 बजे कभी हुआ करता था, वो 1 या 2 तो नॉर्मल समझा जाता है।
लेकिन ये हम भूल गए हैं कि अगले दिन काम शुरू करने का जो है वो वही समय है। तो आपकी या तो नींद कम हुई या आपने भागा दौड़ी में तैयार होके ऑफिस पहुंचे, वो मन स्थिति आपकी सही नहीं है। तो अगर आप किसी चीज के लिए वो समय लगा रहे हैं, उसका आपकी पूरी जिंदगी में मूल्य क्या है, और अगर वो खास नहीं है तो उसको आप अपनी जिंदगी से हटा दीजिए या एटलीस्ट उतना कम कर दीजिए कि वो आपकी पूरी अलग तरह से जिंदगी जो चल रही है उसके बीच में फिट हो जाए। करेक्ट। चौथा, खाने का हिसाब। हमारे शरीर को लगातार ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, वो नहीं कभी रुकते, नींद में भी नहीं रुकते। और अगर हम सोचते हैं कि अच्छा जब टाइम मिलेगा तब खा लेंगे, शरीर की जरूरत चल रही है, और अगर आप उसे सही समय पर सही प्रकार का सही अवस्था में खाया गया भोजन नहीं देते हैं। सही अवस्था का मतलब ये भी है कि आप टेंशन में खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है क्या खा रहे हैं, आप माइंडलेसली अगर चिप्स पड़े हैं वो खा रहे हैं, समोसा पड़ा वो खा रहे हैं, तो आपको सिर्फ एसिडिटी होगी, कोई उससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाली। अगर टेस्टी है तो खाएं, लेकिन किस अवस्था में आपको दिया गया है, किस जगह से आप ले रहे हैं और किस अवस्था में खा रहे हैं, उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अदरवाइज आप एक तरफ से किसी के ऊपर शाउट कर रहे हैं, या कई बार टेलीविजन लोग देख रहे हैं, वहां पे कोई सीरियल देख रहे हैं जिसमें मर्डर चल रहा है और आप इधर खाना खा रहे हैं, या आप न्यूज देख रहे हैं जिसमें कि वॉर के सीन्स चल रहे हैं और आप खाना खा रहे हैं, तो वो भोजन आपके अंदर जाके कुछ खास अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि आपके माइंड ने उस सीरियल को देखकर या उस न्यूज को देखकर एक अलग तरह की प्रक्रिया हमारे शरीर में शुरू की है। और उस समय में मेरे अंदर भोजन जा रहा है तो वो एक मैकेनिकल होगा, वो मुझे अच्छा असर नहीं देगा। प्लस ये भी बहुत जरूरी है कि आपकी अवस्था के साथ साथ आप उसको किस कारण से खा रहे हैं। ओके। मान लीजिए मैं अपनी एक अवस्था को बनाता हूँ कि मैं उस भोजन को, जो कि मेरी जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है, मेरे हर काम के लिए जरूरी है, एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, मैं क्या खा रहा हूँ, कैसा खा रहा हूँ, कहाँ से खा रहा हूँ, किसके हाथ का खा रहा हूँ, किस अवस्था में खा रहा हूँ, ये मेरे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर एक बिल्डिंग को बनाते वक्त हम जहाँ भी जैसा भी कहीं से सीमेंट मिला, जो भी ईंटें मिली पकी हैं नहीं है, और पानी ठीक डाला कि नहीं डाला, बिल्डिंग ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। हमारा शरीर भी वैसा ही है। तो अगर हम उन चीज़ों को लेकर चल पाते हैं और सही अवस्था में उसको एक भोजन के रूप में जो जाके मेरे शरीर के हर अंग को शक्ति देगा, उस प्रकार से कंसंट्रेट करके चल पा रहे हैं, तो वो सिर्फ भोजन नहीं रहता, वो एक तरह से प्रसाद बन जाता है। तो जब आप वो लेते हैं तो उससे आपको अपने लिए पहला तो याद आता है कि मुझे अपने लिए भी सब कुछ करना है। यूथ ही नहीं, हम सब भूलते जा रहे हैं कि किस चीज का मेरे जीवन में पर्पस क्या है। अगर बहुत अच्छा पे पैकेज चाहिए और आप खाने का भी समय नहीं मिल रहा है, सोने का भी समय नहीं मिल रहा है, रिश्तों का भी समय नहीं मिल रहा है, तो उस पे के पैकेज का हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। दैट शुड बी टू गिव मी हैप्पीनेस एंड टू गिव मी कंटेंटमेंट। अगर वो पर्पस नहीं पूरा हो रहा तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। प्लस जो एक और चीज होती है और वहां पे आंकलन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि मेरे विचार क्या चल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मैकेनिकली और चीजें कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। अंदर ही अंदर मैं कुड़ रहा हूँ, अंदर ही अंदर मेरे बॉस ने मुझे कहा मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि जो मैं काम करूंगा वो ठीक होगा कि नहीं, या कई बार आपको यही नहीं लगता कि जो आप कर रहे हो वो मीनिंगफुल है, लेकिन क्योंकि पे मिल रही है इसलिए आप मैकेनिकली करते जा रहे हैं। करेक्ट। तो अगर वो भावना होगी जिस काम को आप रोज कर रहे हैं तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और वहां पे साथ ही साथ ये देखना कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ मैं इस काम के लिए बना हूँ, या सिर्फ क्योंकि ये काम है मैं इसमें आ गया। डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि मैं किस कार्य के लिए बना हूँ मैं उसी ओर आगे बढ़ूं, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं कि हम
अपने मनपसंद करियर को ऑप्ट करें पर जिंदगी उस दिशा में आपको लेकर नहीं जाती, आपको कोई और रास्ता चुनने के लिए मजबूर कर देती है, तो ऐसे में खुशी कैसे बनी रहे? क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप पूरी ज़िंदगी बिताए हैं, जिस सपने को आप पूरी ज़िंदगी देखते आए हैं जब तक आप यूथ अवस्था तक आए हैं, और फिर आपको बोला जाए कि अब ये ज़िंदगी आपकी नहीं है, आपको कोई और रास्ता चुनना है, ऐसे में एज अ यूथ बहुत बड़ा डिप्रेशन एक इंसान को आता है। तो वो डिप्रेशन ना आए और खुशी खुशी आप दूसरी तरफ आगे बढ़ जाए, ये कैसे पॉसिबल है? मैं उस बात को समझता हूँ क्योंकि हम रोज़ उस तरह के लोगों से रूबरू होते हैं जो जहाँ जो कर रहे हैं उसमें बहुत दुखी हैं, और दुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उस काम को करना नहीं चाहा था। कई बार लोग काम को इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वो फैशन है, इसलिए करते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा पैसा उसमें मिल रहा है, या इसलिए करते हैं क्योंकि वो करने से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन अगर कोई काम आप करते हैं, देखिए एक चीज जो हम भूलते जा रहे हैं कि कोई भी डायरेक्शन मैं अपनी जिंदगी के कैरियर के बारे में अगर हम भी बात करें चूज करता हूं तो उसको मुझे 40 45 50 वर्ष जीना है। अगर आप एक साल के लिए काम कर रहे हैं तो वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। तो वो काम आप अगर आज चूज करते हैं जिसको करने से आपको खुशी होती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसका पैकेज कुछ अलग है, जब आप वो कर रहे हैं तो आपको लगता है कि जैसे जीवन जो है इससे खूबसूरत हो ही नहीं सकता। दैट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। और अगर आप उस पर्पस को जी रहे हैं तो बाकी सारी चीजें जो है थोड़ी थोड़ी छोटी होनी शुरू हो जाती है। प्लस प्रैक्टिकली हमने एक चीज और देखी है कि जब आप उस तरह से उस काम को करते हैं तो दरवाजे खुलते जाते हैं। क्योंकि आज के समय में अच्छा काम करके अच्छा डिलीवर करने वाला बिना ये सोचे कि मुझे इसके लिए क्या मिल रहा है बहुत कम लोग होते हैं। तो जब आप उस चीज को करते हैं, पहले तो डायरेक्शन वो लें जहां तक पॉसिबल है करियर को चूज करने से पहले, अगर नहीं होता तो जरूरी नहीं है कि उसके साथ धक्का मारते रहे। There are always options. Correct. One can always change. और वो इसलिए ना चेंज करें क्योंकि दूसरे क्या कहेंगे, इसलिए ना चेंज करें क्योंकि ये तो बेस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी था बाकी तो नहीं है, इसलिए चेंज करें कि अगर आप उसे चेंज नहीं करते हैं तो वो जो आपको रोज दर्द दे रहा है इमोशनली वो दर्द आप पूरी जिंदगी नहीं बिता पाए। So, वहां पे अगर आपको रोज काम करने के बाद खुशी मिलती है तो काम भी सक्सेसफुल होगा और कहीं ना कहीं से आपको उसके लिए पैसा जरूर आएगा बिकॉज यू आर डूइंग दैट जॉब वेल। करेक्ट। वो कहीं ना कहीं कैरियर काउंसलिंग भी आजकल जब होती है तो ये नहीं होता कि आप क्या कर सकते हो जिससे खुशी मिले, ये होती है कि आप क्या कर सकते हो जिससे आपको वो कैरियर पाथ सो कॉल्ड आपका ज्यादा अच्छा हो। तो वहां पे थोड़ा सा आंकलन करते रहना जरूरी हो जाता है बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी सी कि लोग ये कहते हैं कि साहब मुझे अच्छा काम नहीं मिला, लेकिन उस काम को करते हुए आपने क्या दिया इस बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। सो ट्रू। सो इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट यू विल ऑलवेज रिसीव द बेस्ट। दैट्स अमेजिंग डॉक्टर साहब, ये बात जो आपने कही कि इफ यू गिव योर बेस्ट यू विल रिसीव द बेस्ट, ये थॉट अगर हमारे अंदर आ जाए एज अ यूथ तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलने लग जाएंगे। इसी के साथ ना मैं एक छोटी सी चीज और बहुत जरूरी हो जाती है, कई बार हम ना कहीं अपने आप को ही बाधक बना देते हैं। मतलब मेरे किसी दोस्त ने वो पाथ चूज किया और वो अब बहुत आगे गया है, आगे की डेफिनेशन जो भी होती है। I understand, yeah. लेकिन मैं उस जैसा नहीं हूँ, मेरी परवरिश अलग है, मेरी प्रतिभाएं अलग हैं, मेरी सोच का ढंग अलग है। अगर मैं उसी पाथ पे चलता रहूंगा तो शायद मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी और वहां पे कंपैरिजंस जो हैं वो बहुत आने शुरू हो जाते हैं। yeah. 2 साल के अंदर उसके पास गाड़ी हो गई, ये वाली पोजिशन हो गई, हम जब मिलते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है
वो देखो कहाँ से कहाँ चला गया, मैं कहाँ हूँ। तो आज एक मिला है, कल दूसरा मिलेगा, फिर वो चलता ही रहेगा। इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। और वो जो चीज आपके मन में घुन जैसे चलती है, वो एक्चुअली आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा स्टीलर है। लिव योर ओन लाइफ बिकॉज नोबडी एल्स कैन लिव इट बेटर देन यू। ट्रू। और आप किसी और की जिंदगी नहीं जी सकते, बिल्कुल नहीं जी सकते। आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, दूसरे की गाड़ी यहां से बैठे हुए ड्राइव नहीं कर सकते। आपको अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ अपनी क्षमताओं से ही बढ़ सकते हैं। ये क्यों हुआ उसके साथ और मेरे साथ नहीं हुआ, मुझ में क्या कमी थी और उसमें क्या नहीं है, शायद यही कमी थी कि आपने अपना बहुत समय उन चीजों में गवाया जो उस व्यक्ति ने नहीं गवाया। अच्छा, एक और भी बात है कि जिंदगी एक बहुत लंबी रेस है। आज कोई बहुत स्पीड से भाग रहा है, फिर शायद थक जाए। कोई और व्यक्ति धीरे चल रहा है, फिर वो बाद में स्पीड पकड़ ले। कुछ लोगों के करियर्स भी, अगर सिर्फ हम करियर की बात करें, बहुत लेट शुरू होते हैं। तो ये सोच लेना कि हर स्टेज के ऊपर मुझे ही सबसे बेस्ट मिलेगा, मैं ही सब में टॉप होऊंगा पूरी जिंदगी, दिस इज नॉट एन ट्रू, क्योंकि ये फेयर नहीं है। तो बाकी लोगों के हिस्से में सारी बीमारियां, सारे कष्ट आ जाएं और आपके हिस्से में ना, ऐसा ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, बिल्कुल। तो इसलिए जो आपका पैकेज है वो आपके लिए आज के समय में ठीक है, उसे हम एक्सेप्ट कर लें। उसको एक्सेप्ट करने के बाद क्या चेंज करना है उसे सोचना शुरू कर लें, और फिर उसके लिए क्या डायरेक्शन चाहिए उसके बारे में प्लान कर लें, और कितने समय में वो पॉसिबल है उसके बारे में सोच लें। और ये आंकलन जो है वो थोड़ा सा धीमा होता है, एक दिन में नहीं आता और एक दिन में चेंजेस नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे हो सकते हैं अगर आप उसके लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। ओके। एंड वंस यू डू दैट तो वो एक सकारात्मक रूप में आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगा। और जब आप आगे बढ़ना शुरू होते हैं तो फिर जो आपने शुरू में कहा था एपिसोड में, आपके पास दूसरों की चीजें सोचने के लिए समय नहीं होता। कई बार ये भी होता है कि जो हमने गलतियां की, क्योंकि हमने बहुत समय उसमें लगाया, तो इसलिए हम उसी में फंसे रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। There's a saying in English, don't get too attached to your mistakes because you have invested too much in them. हो चुका, खत्म हुआ, सीख उससे मिली, अब आगे उसको किस रूप में कर सकते हैं, That's what is more important. डॉक्टर साहब, यूथ के लिए अगर हम बात करें, उनके अंदर में एक एक्सपीरियंस भी होता है जिंदगी को लेकर के। वो अपने आसपास के लोगों से, सोसाइटी से, कॉलेज में फ्रेंड्स से, सबसे सीखते हैं और फिर आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके जो एक्सपीरियंस है, कई बार ऐसे होते हैं कि जो अच्छे भी नहीं होते। तो किस तरह से अपने पास्ट को भूला जाए, ये भी एक तरह की कला होती है जो यूथ के अंदर में आने की ज़रूरत है, जितना मुझे लगता है। क्योंकि अगर वो पास्ट को नहीं भूलेंगे तो फ्यूचर उनका ब्राइट होने के कोई चांस ही नहीं है। तो ये भूला कैसे जाए पास्ट को, अगर आप इसके बारे में हमें कुछ बता सके। देखिए, जो माइंड है ना, वो एक कंप्यूटर की भांति काम करता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा फास्ट काम करता है और कई गुना ज़्यादा उसकी क्षमताएँ हैं। और साथ ही साथ उसकी एक ये भी खूबी है कि वो अपने आप को रिप्रोग्राम कर सकता है। कंप्यूटर्स रिप्रोग्राम नहीं कर सकते, जो डला हुआ है सिर्फ वही है, लेकिन ये अपने आप को रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो हम एक जो चीज अच्छी नहीं है उससे सीख कर, एक्चुअली जो हमारा मन बार बार चीजों पे जाता है ना कि ऐसा हो गया, क्यों हो गया, वो सिर्फ एक बार सीख लेने के लिए होता है। अच्छा, कि मुझे इस चीज से कष्ट होता है, मुझे आगे से ध्यान रखना है कि ये चीज ना हो। वहीं पे अगर आप उसे छोड़ दें तो वो एक सीख है, उसी में अगर आप फंस जाए तो फिर वो एक पैटर्न है। उसके लिए जो चीज, तो बट सो अमेजिंग सीरियसली, बट दैट इज द फैक्ट, दैट्स हाउ द माइंड वर्क्स। कई बार हम एक ही पैटर्न को बार बार, क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए था, उसने ये किया, मैंने ये किया, कहाँ गलती हो गई, गलती हुई तो ऐसा हो जाता, नहीं होती तो ऐसा होता, उसमें इतने खो जाते हैं कि उसको हम सच्चाई समझने लग जाते हैं। सो वन इज लेटिंग गो। लेटिंग गो का मतलब है कि कुछ चीज हुई, हमने उसको छोड़ दिया,
क्योंकि अब वो मेरे प्रेजेंट में आ रही है. तो जो प्रेजेंट में मेरी पॉसिबिलिटीज हैं वो खत्म हो रही है. सेकंड इज कि कोई भी नई चीज होने से पहले दूसरी पे बिंदु लगाने की जरूरत होती है, एक फुल स्टॉप की जरूरत होती है. सो अनलेस यू लर्न टू डू दैट यू विल नॉट बी एबल टू. और तीसरा जो कि एक बहुत जरूरी चीज है टू रियलाइज कि जितनी बार आपकी वो फाइल खुलती है वो एक नया प्रोग्राम पैदा करती है. कि मान लीजिए मैंने पास्ट के बारे में एक चीज सोची जी. तो उसके बारे में जो थॉट्स होंगे, जो पैटर्न बनेगा, क्या हो सकता था, क्यों हो सकता था, वो एक बार में कुछ अलग थॉट्स आएंगे, दूसरी बार में सोचेंगे तो कुछ अलग आएंगे, तीसरी बार में कुछ अलग आएंगे. तो हर बार एक नई फाइल खुल रही है. ओके. और वो मन को बोझिल कर रही है. बिल्कुल. और इन तीनों फाइलों का आज की जिंदगी में या आने वाली जिंदगी में कोई फायदा नहीं है. सो वी हैव टू लर्न टू एंश्योर कि मेरे माइंड की स्लेट जितनी ज्यादा साफ हो ताकि उसकी पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़े. ओके. सो वन मंत्रा विच एवरीबडी कैन फॉलो इसकी आज के बाद 8 से पहले की कोई चीज अगले दिन शुरू नहीं की जाएगी. वेरी नाइस. सो रात के समय में हम कुछ समय अगर अपने लिए निकालें, वैसे तो जिंदगी का आंकलन करने के लिए भी और एक दिन का आंकलन करने के लिए भी, कि आज क्या क्या हुआ जो कि मुझे ठीक नहीं लगा, उससे मैंने क्या सीखा, और अब जो सीखना था सीख लिया, उसके बाद ये बंद और बिंदु. तो जब वो हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट डे आपके मन में फिर से ख्याल आएंगे, क्योंकि मैंने कह दिया इसलिए मन नहीं रुकने वाला. लेकिन फिर याद दिलाएं कि कल इस चीज का सोल्यूशन हो गया. अब सोल्यूशन हो गया तो उसे बार बार रिपीट करके कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला. अब मैं दूसरी चीजों में फोकस करूं. बिल्कुल. और थोड़े दिनों बाद मन को इस चीज की प्रैक्टिस हो जाती है. बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत ही खास बात आपने कही, जो मुझे लगता है अगर हम इस चीज को अपनी जिंदगी में अपना ले तो कई सारे जो वेस्ट थॉट्स है पास्ट से रिलेटेड वो हमारी जिंदगी से बाहर निकल जाएंगे. फॉर यूथ्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी डायरेक्शंस में अपनी एनर्जी को डालना होता है. ऐसे में अगर पास्ट का फाइल भी खुला रहेगा तो पूरी एनर्जी उसमें ही चली जाएगी. डॉक्टर साहब, ये तो मैं समझ गई कि किस तरह से हमें अपनी नेगेटिव एनर्जी को स्टॉप करना है. अब पॉजिटिव एनर्जी पूरी दिनचर्या में किस तरह से डाले यूथ्स, जिसके वजह से उनका फ्यूचर और भी ज्यादा सिक्योर होने लगे. करियर के लिए वन डे एट अ टाइम. ओके. कई बार हम लॉन्ग टर्म पे इतना फोकस करते हैं कि जो इमीडिएटली करना है, जिसने इकट्ठा होके लॉन्ग टर्म बनना है, हम उसकी शुरुआत ही नहीं करते. हम जंप करते रहते हैं. ओके. हम ट्रेवल नहीं करते. तो जो आप जंप करते हैं तो बीच की जितनी भी स्टेजेस हैं वो पूरी तरह से हम पार नहीं कर पाते. पॉजिटिव को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट इज कि सारे नेगेटिव्स अगर हम निकाल सकें, सेकेंड इज एक फिजिकल पार्ट है, और फिजिकल पार्ट ये है कि हम किस प्रकार से अपने शरीर का ध्यान रखें, जिसमें कि कुछ एक्सरसाइज, सही खाना, सही सोना. अगर हम मानसिक रूप से सिर्फ एक आंकलन करें कि क्या चीज़ें हैं जो रोज मुझे तंग कर रही हैं, एंड स्पेशली मेंटली तंग कर रही हैं, जो मन में घुसी हुई हैं, जो बार बार कहते हैं लोग कि मैं तो नहीं सोचना चाहता लेकिन ये आई जाती है, उसको कैसे बंद कर सके. और साथ ही साथ माइंड के लिए भी और हमारी आत्मा के लिए भी कुछ ऐसी चीजें कर पाएं जिससे कि हमारी बैटरी चार्ज हो. Okay. उसमें हमें अपनी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की जरूरत होती है, और उस प्रोसेस को मेडिटेशन कह सकते हैं. वाओ, मेडिटेशन पक्की बात है. अगले एपिसोड में जरूर हम जानेंगे कि किस तरह से मेडिटेशन हमें हेल्प करता है यूथफुल लाइफ जीने में. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो. ओम शांति. मोस्ट वेलकम, प्लेजर. दोस्तों, आज के एपिसोड को अगर हम समराइज करें, कहीं ना कहीं हमने जाना कि यूथ की जिंदगी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे प्रेशर्स का तो डील करना ही पड़ता है, साथ ही साथ बहुत सारे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं. लेकिन अगर वो पास्ट में ही जी रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर उनकी कॉन्फिडेंस की कमी है,
साथ ही साथ अगर वो पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा अपने मन में घुमाते रहते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाती है, कहीं ना कहीं उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें रात को सोने से पहले एक एनालिसिस करें कि आज के दिन में मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं और किस तरह से उनको लिख करके और हमेशा के लिए अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए आपको रोज ये कार्य करने की जरूरत है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो शांतिवन आबू रोड। कॉल 8094913487।